मध्य प्रदेश के हजारों बच्चों को दी जा रही इस्लामी तालीम। मदरसों को लेकर एक बड़ी खबर आई सामने। शिक्षा व्यवस्था को लेकर एनसीपीसीआर का बड़ा कदम। मध्य प्रदेश में लगातार इस्लामी तालीम देने वाले केंद्र मदरसों की संख्या में इजाफा नजर आ रहा है। बीते दिनों मदरसों की संख्या 1500 के लगभग बताई गई थी, लेकिन हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के अंदर मदरसों की संख्या बढ़कर 1755 हो गई है। एक खास बात यह है कि इन 1755 पंजीकृत मदरसों में मध्य प्रदेश के 9417 हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मदरसा ऐसे संस्थान है जो कि RTE मतलब राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत भी नहीं आते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजने का अनुरोध किया है। कानूनगो ने कहा कि इस्लामी संस्थान RTE के अंतर्गत नहीं आते हैं। आज विभाग ने यह बताया कि 1755 मदरसे उनके पास पंजीकृत हैं। पूर्व में उन्होंने हमको 1505 मदरसों की जानकारी दी थी, लेकिन आज उन्होंने बताया कि 1755 मदरसे उनके पास पंजीकृत हैं और 9417 हिंदू बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं। बैठक के दौरान ये बात समझ में आई कि जिस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड अस्तित्व में आया, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मदरसों में इस्लामी धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 1 मदरसों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखती है। साथ ही शिक्षकों के पास किसी भी प्रकार की बीएड या डीएड पात्रता डिग्री नहीं है, न ही वहां के शिक्षक किसी भी प्रकार की शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की स्थापना का जो अधिनियम है वो मदरसा को परिभाषित करते वक्त ये साफ साफ बताता है कि मदरसा वो संस्थान होंगे जहां इस्लामिक धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का अधिकार कानून, ये थोड़ी सी बारीक और कानूनी बात है, शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 1 मदरसा को शिक्षा का कानून के अधिकार के दायरे से बाहर, शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे के बाहर करती है। हमारे पास जो जानकारियां हैं उनके अनुसार इन 1500 से ज्यादा मदरसों में जो शिक्षक हैं वो बीएड डीएड क्वालिफाइड नहीं, वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड नहीं। एनसीपीसीआर ने मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग को तलब करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का ध्यान मध्य प्रदेश में चल रही शिक्षा की अनैतिक गतिविधियों पर नहीं है। कृपया कर इन सारे संस्थानों की जांच होनी चाहिए और जितने भी अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे हैं उन मदरसों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान, इन्हें सामान्य स्कूल में दाखिला किया जाए। इन मदरसों में इंफ्रास्ट्रक्चर राइट टू एजुकेशन एक्ट के मैंडेट के अकॉर्डिंग नहीं, इन मदरसों में सेफ्टी और सिक्योरिटी के इंतजाम मानकों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में एक बड़ी संख्या में बच्चों को वहां रखना एक अपराध, और हिंदू बच्चों को मदरसों में भेजना तो ऐसा अक्षम्य काम है। इसको तत्काल सुधार करने के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि तत्काल हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर निकालने की कार्रवाई करें। एनसीपीसीआर द्वारा पहले भी कई प्रकार की मांग की गई कि मध्य प्रदेश में चलने वाले मदरसों की सूची बनाई जाए, सर्वे किया जाए और उनकी मैपिंग की जाए, जिसके साथ ये पता चल सके कि प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर संचालित होने वाले मदरसे असल में बच्चों को पढ़ने योग्य हैं या नहीं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर
हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।